अब मैं चाय पीने गया, अपने बाइक खोल दी पूरी। ये कौन सी सर्विस है? पहली पहली सर्विस में बाइक खोल दी पूरी। गया भाई के पैरों से नीचे से धुआं उड़ रहा, धुआं मिट्टी उड़ रही मिट्टी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। जय बोले, वेलकम टू रुदन व्लॉग्स। आज हमारे, कल जैसे आपने पुराना ब्लॉग देखा, हमारे 500 किलोमीटर हो गया पूरे बाइक के, और आज हम कराएंगे उसकी पहली सर्विस। सो आज होने वाली है 650 की सुपर मेटियोर 650 की पहली सर्विस, और जो भी कॉस्ट आएगी और जो भी डलना होगा मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। सो 9:30 हो गई है और मोस्टली मैंने काम कर लिया, बाकी वहीं पर जाके कर लूँगा मैं ऑफिस का काम। जहाँ मेरा लैपटॉप होता है वहाँ मेरा ऑफिस होता है, तो बाइक को लेके चलते हैं वहाँ पे। कहाँ पे? एजेंसी पे। एजेंसी में लेके जाते हैं। सो सो ज्यादा भाई मेयर करो बच्चा, बस आज इसका लास्ट डे है सर्विस का। यार पापा गाड़ी की चाबियाँ निकाल देते हैं, मेरी चाबी हमेशा लगी रहती हैं, पता नहीं क्यों पापा निकाल के पता नहीं कहाँ पे रख देते हैं। इसकी भी निकली हुई है, अंदर होगी फिर। तो क्या है कि ये बाइक चल जाती है, क्योंकि क्या है मॉर्निंग काका बोलता है मैंने इसी पे जाना, वो गाड़ी नहीं लेके जाता। ओहो इसको भी रहने देते हैं थोड़ी देर स्टार्ट। पहली सर्विस का क्या इशू है कि यार वैसे तो फैक्ट्री सब कुछ ठीक करके भेजती है, मतलब सब कुछ चेकअप करके दे दिया, बट स्टिल पहली सर्विस तक मेरे ख्याल से हमें कहीं फालतू बाहर नहीं जाना चाहिए, ना इसको फालतू पकाना चाहिए। पहली सर्विस में पहला चेकअप हो जाता है बाइक का, उसके बाद सब कुछ ओपन हो जाता है, जैसे मर्जी करो आप। सो मेरा तो यही है, बाकी ये तो मेरा अपना फैक्ट है, बाकी पता नहीं वैसे क्या होता है टेक्निकली, मेरे को भी नहीं पता। अगर किसी को पता है तो फिर बता दियो भाई ग्रुप कमेंट में कि पहली सर्विस 500 पे क्यों होती है, क्योंकि 500 पे तो ऑयल ख़राब होने से रहा, ठीक है ना। तो उसमें बिहाइंड द सीन क्या मतलब कि फैक्ट होता है कि 500 पे ही इतनी कम में ही सर्विस करवा ली जाती है। सो रॉयल इनफील्ड, अरे गेट कितना, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं ऊपर लिखा हुआ, इन्होंने अलग से गेट बनाया हुआ रॉयल इनफील्ड का। सर्विस कर दोगे? इतने ला दा सर्विस है। और सुनाओ की हाल चाल, ठीक हो? हाँ आ गई, ओ आ गया साइन। संजीव जी कैसे हो? सो ये भाई अभी सर्विस का सारा देखेंगे क्या क्या चेंज होना है। तो भाई क्या क्या चेंज होना है इसमें? सर अभी ऑयल चेंज होगा अभी, और गैसकेट चेंज होगा, ठीक है। ऑयल फिल्टर चेंज होना है, ओके। सील वगैरह चेंज होनी है, टैंक की जो गैसकेट है वो चेंज होनी है, सही बताया था वैसे, तो कहीं लगाया था बट सही था वो, ठीक है। ऑडियो चेक कर, ये देखो फर्स्ट 650 ऑन सच पास। टाइटल ले गए भाजी, तो ये टाइटल ले गए। और सुनाओ बढ़िया। और वो अभी मेरा वो चेंज होगा, वो जो मैंने बात करी थी मॉर्निंग, वो साइड वाला या स्पार्क प्लग वाला? वो चेंज होगा, ठीक है। आपने क्या कराना? मैंने सिर्फ जनरल चेकअप कराना है। ऐसी कोई आप ट्रेचरस राइड करके आते हो ना, तो आप एक बार सर्विस सेंटर ज़रूर विजिट करें उसके बाद, ताकि आपको वेयर एंड टेयर पता चल जाए आपकी बाइक का क्या था, अगर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई, तो सारा आप एक बार जनरल चेकअप जरूर करें। ओके, और मैं बता दूं मेरे में लगे हैं पुराने वाले राइनो रेसिंग, और इनमें लगे ये मैंने
बता दिया। तो मैं बाहर चाय पीने गया था, मीनवाइल मेरी बाइक भी, ये क्या कर दिया भाई? ओ भाई मैं चाय पीने गया, अपने बाइक खोल दी पूरी। ये कौन सी सर्विस है? पहली सर्विस में बाइक खोल दी पूरी। भाई सच्ची बताओ यार, ये क्यों खोली हुई है? मैं ये प्रोसीजर है, प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई? यार डरा डरा दिया, मेरी चाय ऊपर के ऊपर है। ये चीज़ें कंपनी मैंडेट हैं और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करवाना। मैं सबको रेकमेंड करता हूँ भाई, जो कंपनी प्रोसीजर है उसको फॉलो ज़रूर करो। अगर कोई नहीं फॉलो करता तो हाल ऐसा हो जाता है कि 3 लीटर में से सिर्फ आधा लीटर ही तेल बचता है, बाकी गायब हो जाता है। वरुण अरुण भाई से पूछ लो क्या हाल हुआ हमारी दूसरी बाइक का। और नहीं वो तो ठीक है, क्लाइंट को बताना तो चाहिए ना कि ये खुलेगा। अच्छा वो पकड़ लो जिसने आपका जॉब कार्ड खोला है। वो है ये, इसने जॉब कार्ड खोला, इसको तो मैं बाद में पकड़ता हूँ। मैं सच्ची यार मैंने जब देखा, मैंने कहा यार पहली सर्विस में सारे इंजन बोल के बैठे हुए। मैं भी डर गया था भाई पहली बार। चलो ठीक है यार, अब मैं यहीं पे रहूँगा, मैं कहीं पे नहीं जाऊँगा। और ना कोई चीज़ खुले, चाय चाय बाद में देखेंगे, यहीं पर पिलाएंगे। अपना जो बिल है वो दे देते हैं, नीरज भाई भी लगे हुए हैं बिल देने। कितना जनरल चेकअप का? सिर्फ 118, वो भी वॉशिंग के लिए। अच्छा वॉशिंग के लिए, बाकी ठीक है फिर तो सही है ना, फिर यहीं से करवा लेना चाहिए, ठीक है ना? रिकमेंड यही है। हाँ एक तो ये है ट्रस्ट रहता है कि एजेंसी ने करा है, ठीक है अपने बंदे ने करा, और सेकेंडली कॉस्ट भी कोई नहीं है। अब मैं अपना बिल पूछता हूँ, मेरे वाला कितना बना? आपका सर कौन सा जगदीश? अपना और बिल मैंने पे कर दिया, जो चीजें डली हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये है बिल, आप पढ़ लो यार जो जो भी चेंज हुआ, ठीक है? बाइक अपनी रेडी हो गई है, वॉश आउट हो गया, सर्विस हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, बिल मैंने आपको दिखा दिया, और यहाँ पे नीरज भाई वाली भी खड़ी है। हम इन दोनों का एग्जॉस्ट है ना कंपेरिजन आपको बताएंगे। पहले नीरज भाई ने लगवाया था, उसके बाद मैंने लगवाया था, भाई ने मेरे को सजेस्ट करा था इससे अपर वाला मॉडल, तो अब मैंने वो लगवाया। दोनों की आवाज़ में ना थोड़ा सा देखेंगे क्या डिफरेंस है, तो दूसरी साइड चलते हैं उसके बाद देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं दोनों के साउंड चेक कर लूँगा, दूसरा वाला नीरज भाई का, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, उन्हीं के सजेशन पर मैंने ये वाले डलवाए हैं, और आई एम मच सेटिस्फाइड, ठीक है? क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि इसकी आवाज़ मतलब वो वाली नहीं है जो दिमाग में लगती है, दिमाग, ठीक है ना? हाँ नीरज भाई से भी यही पूछते हैं, ठीक है ना? वो नहीं है जो दिमाग में लगती है, ठीक है? मिल्ड सी आवाज है जो हमें चाहिए, ठीक है ना? जो हमें प्यारा सा थंप है चलाते हुए, आपको थंप फील होगा, और अगर आप हाई रेफ पे लेके जाते हो तो वो आपके कानों में नहीं। हाँ और मेरे को एक और चीज किसी ने बोली थी कि आपने इतना कॉस्टली लगवा लिया, तो अगर ये चीजें कंपेयर करनी हो तो फिर वर्थ है, फिर वर्थ है, ठीक है ना? फिर वर्थ है क्योंकि इस चीज पे इंजीनियरिंग हो रखी है, इंजन की साउंड जब बढ़ेगी तो ये कंप्रेस करेगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता था, मैंने सर मैंने ना भाई से भी यही बात करी थी कि क्या है जब हम इसको ना मतलब नॉर्मल पे तो ये इसकी बेस है, अगर इसको फास्ट ले जाते हैं 100+ ले जाते हैं तो आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्लस है, इन चीज़ों को अगर कंपेयर करें ना देखें तो वर्थ है, अगर 20,000 है तो वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है। अब इन दोनों की आवाज़ मैं आपको दोनों को चेक करवाऊँगा, ठीक है भैया? इसको ऑन करेंगे, मैं कैमरा पकड़ के रखूंगा। आई विल कैमरा पकड़ूंगा आप। ठीक है मैं इसको करता हूँ, ठीक है? तो चेक कराते हैं दोनों की आवाज़, चेक कर लियो कैसी है। यस मैं पहले अपने वाला ऑन करता हूँ। यस ठीक है। धुआं उड़ रहा, धुआं, हाँ मिट्टी उड़ रही, मिट्टी। ओ भाई
क्यों आ गए इसके? अब मैं इसकी बताता हूँ, इसकी क्या है कि जैसे हम न्यूट्रल में रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सही आवाज़ है, बेस अच्छी है, बट अगर थ्रॉटल देते हैं तो फिर भी आपकी जो बेस है वो कम नहीं होती इतनी, ठीक है। बट अगर इसकी बात करो ना तो न्यूट्रल में तो ठीक है, बेस भी ज़्यादा है, बेस ज़्यादा है, बट अगर थ्रॉटल देते हैं तो फिर तो इक्वल टू चलानी है। तो ये चीज़ थोड़ी देख के चलानी पड़ती है, वैसे भी हमने वैसे तो चलानी है, ठीक है ना, हम इसको हाईवे पे ही अच्छे से यूज करेंगे। बिल्कुल, सिटी में है तो हमें भी खुद भी परेशान हो जाते हैं यार ऐसी आवाज से, तो हम खुद ट्राई टू डू के ऐसी आवाज ना आए, आराम से चलाएं, और चलाते भी हम आराम से ही है, ठीक है। तो ठीक है, ये दोनों का मैंने कंपैरिजन बता दिया आपको कैसा है, तो कमेंट में मेरे को जरूर बताओ कि आपको आवाज किसकी सही लगी है, इसकी सही लगी है या इसकी सही लगी है, ठीक है। और अगर कुछ और चेंजेस है तो वो तो हमारा कमेंट में चलता रहता है मैसेज, ठीक है। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब मैं निकलने वाला हूँ काम पे। तो ये बात, ये ब्लॉग वैसे बहुत बड़ा हो गया, सर्विस का ब्लॉग था, ये सर्विस तक ही रहने देते हैं, डेली वाला ब्लॉग मैं बाद में कंटिन्यूएशन कर लूँगा। तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म है, अगर ब्लॉग अच्छा लगा ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि सर्विस कैसी रही, ठीक है। पहले तो उन्होंने मेरे को डरा दिया था, सीरियसली ये कोई प्लान्ड नहीं है, सीरियसली मैं डर गया था, मैंने यहाँ के बॉडी खुली देखी, मैंने कहा लैब ही कोई ना कोई मंगा पड़ गया, ठीक है। बट स्टिल उन्होंने बताया वो रेगुलर था, वो करना होता है पहली सर्विस पे। तो इसी के नोट के साथ ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, ऑसम ख़त्म।